हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल टूरवर्ड हिंदी पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम टूर कर रहे थे महाराष्ट्र के जलगांव में, तो चलिए करते हैं जलगांव को टाटा एंड बाय बाय। चलते हैं महाराष्ट्र के एक ऐसे शहर जो कि दुनिया भर के टूरिस्ट प्लेसेस में अपनी एक अलग ही पहचान रखता है। दोस्तों, आज हम टूर करने वाले महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर की ओर, जहाँ पर है दुनिया का दूसरा ताजमहल। यही नहीं बल्कि यूनेस्को द्वारा शामिल किया गया वर्ल्ड हेरिटेज। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र के 7 वंडर में से 2 वंडर्स तो आपको यहीं मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं औरंगाबाद के टॉप टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में। मैं हूं गिरी और आप देख रहे हैं टूर वर्ल्ड। तो नंबर एक पर है अजंता एंड एलोरा केव्स। दोस्तों, सबसे पहले तो बता दूं कि अजंता एंड एलोरा की गुफाएं यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज यानी विश्व धरोहर के रूप में शामिल की गई है। इतना ही नहीं भाई, इनको शामिल किया गया है महाराष्ट्र के 7 वंडर्स में से एक। अगर आप कला प्रेमी हैं तो यह स्थान आपके लिए बहुत ही रोमांचक होने वाला है, क्योंकि यहाँ की गुफाओं में जो कला की गई है वह आज के मॉडर्न औजारों से भी असंभव है। क्योंकि कुछ इतिहासकारों तथा हिस्ट्री टीवी के जाने माने शो एशियंट एलियंस का तो यह मानना है कि इन गुफाओं का निर्माण इंसानों ने बाहरी दुनिया के लोगों यानी एलियंस की मदद से किया था। बात करें अजंता की गुफाओं की, तो इनका निर्माण मौर्य तथा राष्ट्रकूट वंश के दौरान हुआ था और इनके निर्माण में लगभग 600 वर्षों का समय लगा था। यहाँ पर लगभग 30 गुफाएं हैं जो कि बौद्ध धर्म को समर्पित है। इनमें सबसे पॉपुलर है गुफा नंबर एक, जो कि पत्थरों के 20 स्तंभों से बनी हुई है। इसके अलावा बाकी सब गुफाओं में बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई मूर्तियाँ, अप्सराएं और अनेकों पेंटिंग्स हैं जो हजारों सालों से यहाँ पर मौजूद है। और वहीं बात करें एलोरा की गुफाओं की, तो एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एलोरा में 100 गुफाएं हैं, जिसमें 34 गुफाएं ही टूरिस्टों को देखने के लिए खोल रखी हैं। वैसे तो यहाँ पर अनेकों एक से बढ़कर एक अद्भुत गुफाएं हैं, पर यहाँ की गुफा नंबर 16 जो इस दुनिया के सबसे बड़े आश्चर्यों में से एक है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ की गुफा नंबर 16 जो जानी जाती है कैलाश मंदिर के नाम से, क्योंकि पत्थर की एक ही शिला को तराश कर बनाया गया है, जो इसे अपने आप में पत्थर को काट कर बनाया गया दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है। इसके अलावा यहाँ बहुत से देवी देवताओं की मूर्तियाँ भी हैं। दुनिया भर के रिसर्चर्स का कहना है कि इस मंदिर को बनाने के लिए पूरे 40,000 टन की बड़ी शिला का यूज किया गया है। तो नंबर दो पर है बीबी का मकबरा, जो इस शहर की शान है भाई, और इसे ताजमहल की नकल कहें तो गलत नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, इसे जाना जाता है दक्षिणी भारत के ताज के नाम से। वैसे तो ताजमहल की सुंदरता के आगे यह कहीं भी नहीं टिकता, परंतु इसको ताजमहल से भी सुंदर बनाने की कोशिश की गई थी, परंतु अपर्याप्त मात्रा में धन के कारण यह ताजमहल के समान भी नहीं बन सका। बता दूं कि इसका निर्माण मुगल बादशाह औरंगजेब ने 17वीं शताब्दी के अंत में करवाया था, और वहीं कुछ इतिहासकारों का कहना है कि इसका निर्माण औरंगजेब के पुत्र आजम शाह ने अपनी माँ दिलरस बानो बेगम की याद में करवाया था। मकबरे का डिजाइन उताउल्लाह द्वारा किया गया था। जी हाँ भाई, इन्हीं के पिताजी को विश्व प्रसिद्ध ताजमहल के मुख्य आर्किटेक्चर के तौर पर जाना जाता है। इस मकबरे का गुम्बद संगमरमर से बना हुआ है और बाकी निर्माण चूने तथा जयपुर की खदानों से लाए गए पत्थरों से किया गया है। से जयपुर से याद आया, अगर आप भी मेरी तरह राजस्थान के टूरिस्ट प्लेसेस और जानना चाहते हैं राजस्थान के अलग अलग शहरों के बारे में, तो मेरे भाई मिस्टर सनी के यूट्यूब चैनल टूरनो को जरूर सब्सक्राइब करें, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नंबर तीन, दौलताबाद फोर्ट। तो नंबर तीन पर है देवगिरी यानी दौलताबाद फोर्ट, जो कि औरंगाबाद से लगभग 17 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है और इसे शामिल किया जाता है महाराष्ट्र के 7 वंडर्स में से एक। तो बता दूं कि ऐतिहासिक समय में दौलताबाद का यह फोर्ट बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता था, क्योंकि यह उत्तर तथा दक्षिण भारत के बीच में बना हुआ है और यहाँ से पूरे भारत पर शासन आसानी से किया जा सकता था। इसी कारण मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे अपनी राजधानी बनाया, यहाँ तक कि उसने दिल्ली की समस्त जनता को दौलताबाद चलने का आदेश दे दिया था। और शायद इसी कारणवश इस किले को एक ऐसा किला बनाना था जो अपने आप में बहुत ही सुरक्षित हो। जी हाँ दोस्तों, यह भारत का एकमात्र ऐसा किला है जिसे कोई भी युद्ध में जीत नहीं सका। इस किले पर अगर कोई दुश्मन आक्रमण भी करे तो उसे अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ता था, जैसे कि तंग घुमावदार रास्तों, 150 फुट गहरी खाई जिसमें मगरमच्छ हुआ करते थे, और अनेकों अंधेरे रास्ते तथा भूलभुलैया का सामना करना पड़ता था, जो इसे अपने आप में एक सुरक्षित किला बनाता है। इसके अलावा यहाँ की चांद मीनार, जो भारत में कुतुब मीनार के बाद दूसरी सबसे बड़ी मीनार है। और बात करें इस किले पर रखे गए तोपों की, तो इस किले पर अलग अलग तोपों का समावेश किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से मेंढा तोप, जिसका अर्थ है किले को उध्वस्त करने वाली तोप, इसके अलावा काला पहाड़ तथा दुर्गा तोप, जिसका अर्थ है सब कुछ मिटा देने वाली तोप। नंबर चार, छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम। छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम, जो कि औरंगाबाद के रेलवे स्टेशन से लगभग 5.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो औरंगाबाद के बेस्ट टूरिस्ट प्लेसेस में से एक है। यह म्यूजियम डेडिकेटेड है छत्रपति शिवाजी महाराज को।
यहाँ इस म्यूजियम की बिल्डिंग में 6 एग्जीबिशन हॉल है जो यहाँ पर आने वाले टूरिस्टों को ले जाता है पिछले समय में, जो दर्शाता है वीर मराठाओं और उनके स्वदेश प्रेम को। यह म्यूजियम प्रदर्शित करता है छत्रपति शिवाजी महाराज की महानता तथा उनके शौर्य को। इस म्यूजियम के मुख्य आकर्षणों में 500 साल पुराना युद्ध में पहने जाने वाला सूट तथा कुरान की एक कॉपी जो औरंगजेब द्वारा लिखी गई थी और 400 साल पुरानी पेटनी साड़ी का समावेश है। इस म्यूजियम के पहले हॉल में लकड़ी द्वारा किए गए डेकोरेशन जो ग्लोरियस पास्ट को दर्शाता है। दूसरे हॉल में तलवारें, ढाल तथा एशियन राइफल रखी गई है। तीसरे हॉल में फोटोग्राफ्स तथा तोरणाम, पानालगढ़, लोहागढ़, सिंहगढ़ जैसे किलों को दर्शाया गया है। इसके अलावा अंतिम हॉल में कॉइन्स जो कि सातवां वंश के समय में यूज किए जाते थे। इसके अलावा यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज की संपूर्ण जीवन शैली को दर्शाया गया है। नंबर 5 पर है पंचक्की। दोस्तों सबसे पहले तो बता दूं कि पंचक्की का अर्थ होता है पानी से चलने वाली चक्की, और इस पंचक्की का निर्माण बाबा साहब हजरत ने 1695 में करवाया था, जो मध्यकालीन समय के वैज्ञानिक विचारों को प्रदर्शित करती है। और इस चक्की के माध्यम से उस समय दरगाह में आने वाले सूफी संतों को रोटी के लिए आटा पीसा जाता था। इस पंचक्की का सबसे बड़ा फैक्ट तो यह है कि उस समय में लगभग 8 किलोमीटर दूर जटवाड़ा नामक पहाड़ी से भूमिगत पाइपों के सहारे यहाँ तक पानी लाया गया, और उस पानी को 20 फुट ऊपर से एक चक्के पर गिराया जाता था जिससे कि चक्की आसानी से घूम सके। तो नंबर 6 पर है सिद्धार्थ गार्डन एंड जू। दोस्तों सिद्धार्थ गार्डन एंड जू औरंगाबाद के रेलवे स्टेशन से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है, जो यहाँ के लोकल लोगों के लिए पिकनिक स्थल है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के फूलों, वृक्षों तथा रंगीन लॉन्स का मजा आप ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर चिड़ियाघर भी है जहाँ पर आप कई सारे जंगली जानवरों को देख सकते हैं, जैसे कि बाघ, शेर, तेंदुआ, सांप, मगरमच्छ, लोमड़ी तथा लकड़बग्घा। और तो और यहाँ पर मछलीघर भी है जहाँ पर आप कई सारी मछलियों को देख सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर म्यूजिकल फाउंटेन और गौतम बुद्ध की प्रतिमा को यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो नंबर 7 पर है घृणेश्वर मंदिर। दौलताबाद से 11 किलोमीटर की दूरी पर घृणेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। यह मंदिर शिवजी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। कुछ लोग तो इसे घुमेश्वर के नाम से भी पुकारते हैं। यह मंदिर एलोरा की प्रसिद्ध गुफाओं के समीप ही स्थित है। दोस्तों बता दूं कि इसका निर्माण अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था, और यह मंदिर उस समय की कला का एक उत्कृष्ट नमूना है। और यह शिवजी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक होने के कारण यहाँ पर भक्त दूर दूर से आते हैं। नंबर 8 भद्रा मारुति मंदिर। दोस्तों भद्रा मारुति मंदिर औरंगाबाद के खुलताबाद में स्थित है। यह प्राचीन मंदिर एलोरा की गुफाओं से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बता दूं कि यह मंदिर हिंदू देवता श्री हनुमान जी को समर्पित है। यह मंदिर इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि भारत में मात्र केवल 3 ही स्थानों पर हनुमान जी की लेटी हुई मुद्रा में मूर्ति स्थापित है, और भद्रा मारुति मंदिर उन्हीं में से एक है, जिस कारण से यह मंदिर पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षण केंद्र है, और दूर दूर से यात्री इस अनोखी मूर्ति के दर्शन के लिए आते हैं। नंबर 9 गुल मंडी। दोस्तों वैसे तो हर एक सिटी का अपना एक विशिष्ट बाजार होता है, वैसे ही यहाँ की गुल मंडी जो औरंगाबाद के सबसे बड़े बाजारों में से एक है, जहाँ की शान है भाई हिमरू शॉल तथा यहाँ की साड़ियाँ। वैसे बता दूँ कि हिमरू जो जाना जाता है यहाँ के कपड़े तथा जटिल डिजाइन के लिए, जो प्रेरित है यहाँ के पिकोक फूलों तथा अजंता एनेलोरा की गुफाओं से। नंबर 10 बानी बेगम गार्डन। बानी बेगम गार्डन एक हरे भरे स्थल पर मुगल वास्तुकला का एक शानदार और एक अद्भुत नमूना है, और इसका निर्माण औरंगजेब के पुत्र आजम शाह की पत्नी बानी बेगम के नाम पर रखा गया है, और यह औरंगाबाद से लगभग 24 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो ये थे औरंगाबाद के 10 प्रमुख स्थल। इसके अलावा आप यहाँ पर बहुत से अनेकों स्थानों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।